हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय कृष्णाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपता हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल वत गाय जय गोसाई करि चरण वंदन जाहि कबीर नाथ विष्णु जय जय गोसाई जार मुनि तार दास सात बार पद रे कुमार पंचगार सादर चरण से विभक्त सनिवास जनम जनम हाय रे अभिलाष जय जय गोसाई जब ब्रज कैलावास राधा कृष्ण रे आनंद भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम गति कर मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल माधव जी भक्ति जननी यतन पालन कारी कृष्ण वसती वसती बारी परम आदर गारी शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल जिन भी है भजन नीताई पद का माला कोई चंद्र सुशीतल छाया जगत जुड़ाया नीताई दीने भाई राधा कृष्ण पाई देना करी राधा नीताई पाई
Yeah.
अंजन सला गया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रिया कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि राम हरि राम राम बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, ये जो ग्रंथ है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, भगवान की जो सेवा है सही सही हम कैसे कर सकते हैं? ठाकुर का सेवा हम वास्तव रूप में सही सही ठीक ठीक रूप में कैसे हो? तो भगवान प्रभुपाद उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त गुरु गुरु वैष्णव सेवा द्वारा ही प्रकृत कृष्ण सेवा है। सहजिया गण एटा बुझते बारे ना। अगर कृष्ण सेवा मतलब लोग साधारण लोग क्या करते हैं, घर में लड्डू गोपाल है सवेरे उसको नहा धो लिया, अगरबत्ती थोड़ा दिखा दिया उसको, है अगरबत्ती दिखा दिया और सवेरे थोड़ा बतास बतास से कुछ रख लिया और बस। अगर घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो खुद बढ़िया बढ़िया बना बना कर खा रहे हैं, ठाकुर जी को एक गिलास दूध दे दिया, नहीं तो ठाकुर को किसी तरह से बस जैसे कि ड्यूटी करते हैं ना, बस ठाकुर को वैसे बैठा कर रख दिया ठाकुर जी। तो प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसे भगवान की सेवा नहीं होता है। कहते भगवान की सेवा करना तो पहले तुमको किसी सदगुरु किसी संतों के पास में जाना पड़ेगा। ऐसे अपने आप जैसे मनमर्जी सेवा इसको सेवा नहीं कहते हैं, किसी गुरु वैष्णव के चरण में तुमको जाना पड़ेगा, जा करके उनसे सीखना पड़ेगा। जैसे हम आरती करते हैं, हम क्या करते हैं, धूप को ऐसे ऐसे घुमा दिया हैं, आरती को दो चार बार दिखा दिया रख लिया, नहीं। शास्त्र में बताया कैसे धूप देनी चाहिए, धूप दिखाने का प्रकृत प्रोसेस किया है, मतलब ठाकुर का चरण से ऊपर धूप उठनी चाहिए। जब धूप दिखाओ आज होगा तो कथा में भी थोड़ा बता देंगे, इसलिए धूप ठाकुर के केवल चरण में ही धूप को देनी चाहिए, बोले आरती को ठाकुर का चरण में चार बार, बख्या स्थल में दो बार, फिर ऊपर में तीन बार और संपूर्ण शरीर में सात बार घुमानी चाहिए हैं। अभी ठाकुर जी का आरती उतारा ठाकुर जी को, उसको बाद में क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी सोए हुए थे ना, ठाकुर जी जगे हैं, उसका नजर उतारा है, उसको बाद में क्या करो, भगवान जैसे सवेरे उठते हैं ना, हम जैसे सवेरे उठकर क्या करते हैं, मुंह धोते हैं ना, इसलिए शंख में जल पानी लेनी चाहिए। शंख में पानी लेकर के जैसे ठाकुर को मुंह को हम जैसे धोते हैं ना ठाकुर जी, देखना हम लेकर के हम क्या करते हैं, एक पात्र में पानी को डालते हैं, है ना, जैसे पानी कितना बार, दो चार बार तो मुंह में लेते ही है, उसी तरह ठाकुर को मुंह को भी ऐसे शंख जल में एक बार ठाकुर जी मुंह को पोछ लिया, पानी को डाल दिया, और एक बार पानी को द्वारा मुंह पोछ लिया फिर डाल दिया,
फिर पोछ लिया डाल दिया। इसलिए ठाकुर को 3 बार ऐसे शंखा पानी में घुमानी चाहिए। जैसे पानी में मुंह को हमने धो दिया, उसके बाद तो किसी रुमाल से मुंह पूछते कि नहीं, इसलिए नियम है रुमाल लेकर के ठाकुर को ऐसे ठाकुर को मुंह को पोछनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी मुंह धो लिया है, उसको ठाकुर जी को पूछनी, मुंह को भी पोछा लगानी चाहिए है, रुमाल रख करके। हाँ, उसको बाद में फिर क्या करनी चाहिए? फिर ठाकुर जी चामर व्यंजन करते हैं, मयूर पंखा दिखाते हैं, फिर उनको आलट उसका जो पंखा झुलाते हैं, हैं? इसलिए नियम है। और ठाकुर को जो सेवा कैसे करनी चाहिए? बोले आत्मवत। आत्मवत मतलब क्या है? अपना जैसे, मतलब क्या है? जैसे अभी गर्मी का समय आ रहे हैं, जैसे गर्मी में हम गर्मी कपड़ा पहनते हैं ना, पतले पतले कपड़े धारण करते हैं, ठाकुर को भी पैसे पतला कपड़ा पहनानी चाहिए। ठंडा का समय में जैसे ठंडा की कपड़ा पहनानी चाहिए हैं। और जो सीजनी का जो फल होता है उसको ला करके ठाकुर को देनी चाहिए हैं, ठाकुर को देनी चाहिए। इसलिए कद जो भगवत सेवा है वो अपनी आप नहीं करनी चाहिए, कद गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवत सेवा होता है। फिर क्या करो? ठाकुर को सेवा कर लेनी चाहिए। प्रभुपाद कहते नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्त गुरु वैष्णव सेवा द्वारा ही प्रकृत कृष्ण सेवा है, हैं? इसलिए महाप्रभु कहते वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु कहते हैं वैष्णव का सेवा करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का निवास कहाँ पर है? वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान का निवास तो भक्तों के हृदय में होता है, संतों के हृदय में होता है। केवल ठाकुर का सेवा करने से नहीं होगा, गुरु वैष्णव का साधु संतों की सेवा करना पड़ेगा। उनका आशीर्वाद होने पर, गुरु वैष्णव का आशीर्वाद होने पर फिर तुमको भक्ति में जाकर कहीं रुचि होएगा, हैं? इसलिए तू वैष्णव मुई वैष्णव और आर वैष्णव हरे, 3 वैष्णव घर थकते काठा लखावे परे। मतलब ऐसे है, बेटा का नाम था हरि है, अभी घर में बंगाल में क्या करते हैं, जो कटहल है ना, इधर तो कच्चा ज्यादा खाते हैं, उधर ज्यादा पका कर खाते हैं। पका कटहल खाएगी नहीं? बहुत मीठा है, हाँ आम की तरह लगता है, बहुत बंगाल में ज्यादा पका कर खाते हैं, हैं? और कटहल का बड़े वहाँ पर खाने का बड़े बहुत प्रसिद्ध, बहुत मीठा लगता है। जैसे इधर आम खाते हैं ना कटहल, अभी घर में एक कटहल लाया, नियम था लाए खुद खाने, संतों का सेवा करनी चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों का सेवा से ही भगवत कृपा प्राप्त होता है। किसने कहा भैया घर में तो कटहल लाए, पक्का कटहल, कम से कम साधु संतों को तो निमंत्रण दो, वैष्णवों को तो निमंत्रण दो। इसने उसने उसने उसका जो पिताजी ने बताए, बोले अरे दूसरे संतों को बुलाने का क्या जरूरत है, हम क्या घर में हम क्या संत नहीं है? तो पत्नी को कहते तू ही वैष्णव, तू भी वैष्णव, मुँह वैष्णव, मैं भी वैष्णव हूँ। जो बेटा का नाम था हरि था, हैं, तू ही वैष्णव, मुँह वैष्णव, आर वैष्णव, हरि, बेटा का नाम हरि, 3 वैष्णव घर में रहते, दूसरों को खिलाना क्या जरूरत है, खुद खा लो ना, हैं? कहते भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, भक्तों को प्रभुपाद कहते पहले अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो वैष्णव सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, साधु की सेवा करो। भगवान वैष्णव के सेवा के द्वारा, महाप्रभु जब स्वयं गृहस्थ थे, हैं, महाप्रभु जब गृहस्थ थे, महाप्रभु स्वयं बड़े बड़े संतों को निमंत्रण देते थे। महाप्रभु स्वयं कहते गृहस्थ हैया वैष्णव सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है तो निकृष्ट बोली तारी। महापुरुष शिक्षा देते जो गृहस्थ होकर क्या करनी चाहिए, वैष्णव का सेवा करनी चाहिए, हैं? महापुरुष शिक्षा देते हैं, क्योंकि अर्थ कमाया अगर खुद ही खा लिया, अगर वैष्णव का सेवा नहीं किया तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, उधार होगा नहीं, तुम्हारा मंगल होगा नहीं, वैष्णव का सेवा से, क्योंकि हम खुद कमाया खुद खाए तो तुम्हारी सुकृति कहाँ से बढ़ेगी। लेकिन जब खुद कमा करके कुछ अंश जब भगवान की भक्तों की सेवा में लगेगा, भक्त सेवा से फिर सुकृति बढ़ती है, सुकृति बढ़ेगी फिर तुम्हारी भक्ति में रुचि होएगी, सुकृति बढ़े बगैर रुचि हो ही नहीं सकती है, हैं? इसलिए महाप्रभु क्या करते थे,
दस पंद्रह बीस सन्यास को निमंत्रण देते थे और आकर घर में बोलते थे, मैया आज हमारी घर में 25 सन्यास आने वाले, खाने पीने का व्यवस्था कर। वो तो महापुरुष तो ब्राह्मण घर में जन्म हुए, ब्राह्मण घर तो पहले भिक्षा का द्वारा जीविका निर्वाह करते थे और तो कोई धंधा नहीं करते थे। हैं मैया तो बड़ी चिंता में पड़ जाती, 25 आज संत आएंगे कहाँ से खिलाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। लेकिन महाप्रभु तो भगवान, महाप्रभु जब बाहर गए और एक सोने की ढेला लाकर बोले, नहीं भैया चिंता करे ना, सोने की कैन ले, मोहर ले, इसको तोड़ करके बस सब कुछ खरीदी करो। मैया तो चिंता में पड़ जाती है, भगवान हमारे घर में तो सोना था ही नहीं, ये कहाँ से लाया, चोरी करके लिए तो ले नहीं आया है, क्यों? महाप्रभु तो भगवान है ना, वो तो भगवान है, इसलिए भैया कहीं किसको तो उठा करके नहीं ले आए। फिर वो दस बीस घर अड़ोसे पड़ोसे को पूछते, भैया ये तुम्हारी घर का तो नहीं है, तुम्हारे घर का तो नहीं है, ये तुम्हारी घर का, जब नहीं तो हमारे घर में कहाँ से आएगा, हमारे घर की नहीं। फिर मैया क्या करती हैं, उसको लेकर के दुकान में जाती हैं, ए दाल चावल सब्जी घी ए नमक बढ़िया बढ़िया सामान लाती हैं और रसोई बन कौन बनाती, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात विष्णुप्रिया लक्ष्मी घर बनाती है रसोई। ए लक्ष्मी जब रसोई बनाए क्या टेस्ट है, बड़े सुंदर सब बनाती हैं। फिर महाप्रभु भोग लगाते हैं और सब साधु संतों के घर में खुद महाप्रभु अपने हाथों से निमंत्रण देते हैं और खुद खिलाते हैं महाप्रभु। तो यहाँ पर कहते भैया साक्षात लक्ष्मी जहाँ पर रसोई बनाएगी, साक्षात नारायण जिसको खिलाएगा, फिर वो संत कौन है, सब वो संत है कौन? बोले संत साधारण नहीं, सूप व्यास पराशर नारद हैं वशिष्ठ, ये बड़े 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 सब ऋषि मुनि लोग संत रूप धारण करके आते हैं। क्यों? माँ लक्ष्मी प्रसाद बना रही हैं, साक्षात नारायण हमको खिला रहे हैं, इसलिए साधु संत कोई साधारण नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा तब भी होएगा, पहले साधुओं को सेवा करो उसके बाद में भगवान की सेवा होगा। संतों की सेवा नहीं किया और बोले ठाकुर घर में बैठा करके जैसे तैसे पूजा के सेवा कर रहे हो, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले संतों सेवा करो, हैं संतों कृपा से फिर भगवत कृपा होगी। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते ये चीज को जो सहजिया कुछ बंगाल में है, सहजिया मतलब होता है भक्ति को जो सहज मान लिया, अरे जैसे जैसे करो हो जाएगा ना, बोले नहीं भैया हैं भक्ति सुदुर्लभ है। रूप गोस्वामी कहते भक्ति दुर्लभा नहीं, बड़ा सुदुर्लभ भक्ति है, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए तारा मन करे जे कृष्ण सेवा पूजा करे सही खूब बड़ो, ताई तारा निज वैष्णव अभिमान करे, अपर रे सेवा ने निज गुरु वैष्णव रे सेवा छड़े दे। यहाँ पर कहते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण को जैसे जैसे थोड़ा आरती घुमा दिया, ए, हम बहुत बड़े संत हो गए, लेकिन वैष्णव का संग नहीं, भक्तों का कोई संग नहीं है, भक्त का कोई संग नहीं, निजे के वैष्णव बोलकर अभिमान करते हैं और दूसरों का सेवा लेते हैं, खुद सेवा नहीं करते दूसरों की सेवा लेते हैं, निजे गुरु वैष्णव सेवा को छोड़ करके छोड़ देते हैं। किंतु श्री चैतन्य देवर कथा गोस्वामी गणरे कथा सुन छेन जारा तारा जानेन कृष्ण रे भक्त गुरु वैष्णव सेवा द्वारा ये सत्य सत्य कृष्ण सेवा है। जो महाप्रभु को जानते हैं, गोस्वामी कथा जो सुने हैं, उन लोग क्या जानते हैं, गुरु वैष्णव का सेवा को द्वारा ही भगवान की सेवा होता है। ऐसे गुरु वैष्णव के कृपा के बगैर हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण भक्तेर सेवा छड़े कृष्ण सेवार छोड़ना है कौन मूल्य ना है। जो व्यक्ति भगवान की भक्तों की सेवा को छोड़ करके एक बहाना बनाते हैं, हम केवल कृष्ण सेवा करते हैं, कहते भैया उसको कृष्ण सेवा सही सही नहीं होता है, वो कृष्ण सेवा उसको नहीं होता है, हैं? पहले वैष्णव का अनुगत्य भक्तों की सेवा को, बाद में फिर भगवत सेवा। अभी हम लोग बंगाल गए थे ना, बंगाल गए थे, उधर का जो लोग है ना उनको अंदर कुछ संस्कार है, हैं? वो आप बंगाल में इधर का जो लोग आप लोग देख लेना, जैसे रोटी बना दिया, एक सब्जी बना दी, दाल सब्जी उन्होंने खा लिया, वो उधर नहीं, वो वैष्णव का निमंत्रण देंगे, अब सोच नहीं तक कितने तरह तरह का बनाएंगे। हम लोग जाते हैं ना बंगाल में, हाँ वो लोग भी गए थे, वो एक दीदी के घर में हमारे महाराज के शिष्य जाते हैं, वो कितने
आज हमारे घर में वैष्णव लोग आए, साधु लोग, संत लोग घर में आए हैं, वो कितने तरह तरह का साग बनाएंगे, दाल बनाएंगी, और पहले से तैयारी बैठते हैं हमारे, आज आज का दिन हमारे घर में वैष्णव लोग आने वाले हैं, हैं? हम जाते हैं ना बंगाल में, जाते थे कलकत्ता में माता जी घर, वो पहले से ही सोच करके, अभी हम गए थे दो दिन के लिए, बोले तीन दिन के लिए, हम दो दिन के लिए गए गए तो वो तो, लेकिन फिर हमको कोई नवद्वीप में मीटिंग था, वो मीटिंग में हमको जाना पड़ा, मीटिंग में जाना पड़ा, तो एक दिन रह कर मैं चला गया। वो बड़ी जोचना दी थी, वो बड़ी दुखी हो रही थी, बोले महाराज हम तो तीन दिन का पूरा प्रोग्राम, और रोज रोज अलग अलग, एक एक खाना नहीं, वो पहले से हाँ वेजिटेबल चाप हैं और पकौड़ा, कटहल, कटहल का सब्जी, सुक्ता उधर का जो होता है हैं, और चाउमीन एक दिन खिलाएंगे इनके लिए, एक दिन बनाएंगे इनके लिए राधा वल्लभी आलू दम, बहुत टेस्ट बनाते हैं राधा, उसके अंदर में जो मटर का ये करके ना, बहुत बढ़िया बनाते हैं। पहला दिन तो उनको खिलाए, बोले हम तीन दिन के पूरा अलग शेड्यूल बना कर रखे थे, कौन सा दिन वैष्णव का हम कौन सा चीज़ खिलाएं, इसलिए उनको वैष्णव सेवा देंगे हैं। और केक खुद अपना हाथ से केक बनाती है, खीर उधर का गुड़ देकर, पाटाली गुड़, खेजूर गुड़ देकर खीर, बड़ा टेस्ट, अलग उसका टेस्ट है। और उधर का जो एक रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला अलग रसगुल्ला है, वो जो खजूर गुड़ का रसगुल्ला, उसका टेस्ट ही अलग है हैं, टेस्ट ही अलग है, वो पूरा अलग अलग बना बना कर रखते हैं। वैष्णव लोग आएंगे, हम उनको खिलाएंगे। एकादशी है ना, इसलिए वो वैष्णव, उनको पता है घर में जो वैष्णव लोग आएंगे ना, उनको खिलाएंगे तो हाँ ठाकुर जी हमारे ऊपर में प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर का कृपा होगा हमारे ऊपर में। बंगाल में ना ये सब चीज है ना, लोगों अंदर में ये सब संस्कार है, इसका संस्कार है। महाप्रभु कैसे, महाप्रभु को जब आते थे अद्वैत आचार्य जी, उनकी पत्नी श्रीवास पंडित, उनकी पत्नी कितने तरह तरह का खाना बनाया करते थे, केले की पत्ते में, बड़े बड़े केले की पत्ते में, कितने तरह तरह का, हाँ चैतन्य चरितामृत में सब वर्णन आता है हैं, कैसे महाप्रभु को बैठा करके घर में भक्तों को अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित सब बैठे हुए लाइन करके, और कितने तरह तरह का उनको भोजन कराया करते थे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, भैया कृष्ण भक्तों को सेवा छोड़ करके हम स्वयं भगवान की सेवा कर लेंगे, हो नहीं सकता है हैं? पहले भक्तों की सेवा करो, भक्तों की कृपा होगा फिर भगवान फिर कृपा करेंगे। जरा साधु गुरु सेवा ओ अनुगत छड़े, कृष्ण सेवा ओ नाम भजन अभिनय करे, तादरे प्रतिपद पदे अपराध है। कद जो व्यक्ति साधु गुरु वैष्णव का सेवा छोड़ करके, अनुगत को छोड़ करके हैं, कृष्ण सेवा और नाम भजन का जो एक छलना करते, एक अभिनय करते हैं, कहते उनका प्रति पद पद में अपराध हो जाता है, हैं? अपराध था कि ले कृष्ण नाम बा कृष्ण सेवा है ना, बोले जब तक तुम्हारी अपराध रहेगा तब तक कृष्ण नाम भी नहीं होगा, कृष्ण सेवा भी नहीं होगा। किंतु जे सब शरणागत भक्त गुरु वैष्णव अनुगत और सेवा करे गुरु कृष्ण कृपा इतादरी कृष्ण सेवा व नाम है। किंतु जो लोग शरणागत होकर के गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होकर के उनके अनुगत करते हुए सेवा करते हैं, बस वास्तव रूप में उनका ही कृष्ण सेवा, उनका ही भगवान की भक्त सेवा सही सही उनको होता है, का सचमुच उनका नाम है। कृष्ण भक्त गुरु वैष्णव सेवा जरा आदर प्रीति सहित करे, बोले कृष्ण और भगवान भक्तों का सेवा जो आदर पूर्वक प्रीति पूर्वक करते हैं, तादरे प्रति भगवान और भगवान की भक्त उनको पर में संतुष्ट होते हैं। देखो प्रभुपाद का समय ना, प्रभुपाद का समय एक माता जी निमंत्रण दिया, उनको पता है संतों की कृपा हो जाए तो भगवत अपनी कृपा हो जाएगा, और प्रभुपाद जैसे इतने बड़े संत निमंत्रण दिया, आज हमारे घर में सब संतों का निमंत्रण है। लेकिन उसने क्या किया जान, तो बहुत गरीब थी, उसने अपना घर को बेच दिया, पूरा अपना घर को बेच दिया, बेच करके उसका पैसा लिया, और पैसा लेकर के उसने किया कि प्रभुपाद को और उनका जितने परिकर को उन्होंने प्रसाद खिलाया। लेकिन किसी तरह से प्रभुपाद को कान में ये बात आई, ये जो बूढ़ी माता जी प्रभुपाद देखकर हैरान होते, इतना गरीब आज इतने बढ़िया बढ़िया प्रसाद कैसे बनाए,
उनको पता चला इसका जो छोटी सी कुटिया थी ना जिसमें रहती थी उसको बेच करके उन्होंने संतों की सेवा की। जो प्रभुपाद ये बात पता चला, हे भगवान, रहने का घर को उसने बेच दिया संत सेवा के लिए। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए। अरे प्रभुपाद वो बुढ़िया हुई थी, फिर उसको मंदिर में बोले तुम्हारी जब तक तुम रहोगे, मायापुर मंदिर था बड़ा, बोले जब तक रहोगे तुम मंदिर में आकर रहो। इसलिए प्रभुपाद उनको मंदिर में एक छोटी सी कुटिया दे दिया, बोले सारा जीवन यहीं पर रहो और मंदिर में ठाकुर की सेवा करो और भगवान का प्रसाद जिंदे। उसको कोई आगे पीछे तय नहीं है, बोले मंदिर में रहो और उसको कुटिया दे दिया और सारा जीवन प्रसाद तुमको यही मिलेगा और समर्थ अनुरूप हाँ ठाकुर का जी सब्जी अमुनिया करना, बर्तन साफ करना, मंदिर साफ करना, सेवा प्रभुपाद उसको। मतलब उधर के जो लोग अंदर में ना इतना भावना है, वो अपने आप घर को पूरा बेच करके उन्हें साधु संत की सेवा करने की इनका तो वृत्ति है। इसलिए जखन आमार धारणा छिलो आमी गणित शास्त्र बड़ा पंडित, दर्शन शास्त्र महापंडित, प्रभुपाद बड़े विद्वान थे उस समय, इनकी बड़े विद्वान, इनके जैसे बड़े विद्वान कोई थे नहीं। पहले हम सुन रहे थे ना इतने बड़े प्रभुपाद विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र का जो सर्वोच्च जो प्रिंसिपल पद उनको दी जा रही थी। प्रभुपाद बोले ईंट पत्थर तारा को गिनने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तो महाप्रभु का के पियन हूँ, जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार करने के लिए आया है। और इनकी विद्वता को देख कर बोले जब तक आप जिंदा रहेंगे ये कुर्सी आपके लिए खाली रहेगा, कुर्सी में कोई नहीं बैठ सकता है, आपके सिवाय कुर्सी में बैठने का कोई लायक है नहीं। इसलिए प्रभुपाद जब तक रहे वो यूनिवर्सिटी का जो ज्योतिष विभाग का जो कुर्सी खाली रही उनके लिए। लेकिन प्रभुपाद बड़े विद्वान थे, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरा जो धारणा था, क्या धारणा था, हम गणित शास्त्र में है मैथमेटिक में मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और दर्शन शास्त्र में बड़े पारदर्शिता हूँ। तखन भाग्य क्रमे गुरुदेव रे दर्शन गेला, एक बार उन्होंने उनका गुरुदेव को दर्शन के लिए गए। गुरुदेव कौन? श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। कहते जब मैंने अपना गुरुदेव को दर्शन किया है ना है, कहते आमार महासत्यवादिता निर्मल नैतिक जीवन पांडित्य प्रभृति के जखन तिनी अकिंचत कर जेने धक्का दिलेन तखन आमी बुझलाम जिनी आमारे एतो भालो के धक्का दीते पारेन तीन ना जानी कत्तो भालो। बुझते पारछे? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मैं अपने आप को क्या समझता था, हम बड़े सच बोलने वाले बड़े विद्वान हैं और बड़े नैतिक जीवन हैं, नीतिवादी जीवन है हाँ। लेकिन जब मैं इस सब पंडित को लेकर जब गुरुजी को पास में गए ना, किसको पास में, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में गए, उन्होंने इनको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया। बोले तू इतना बड़ा पंडित है, इतने बड़े विद्वान, हम तुमको शिष्य नहीं कर सकते, जाओ। कितना बार उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया प्रभुपाद। बोले अगर ये हमें दीक्षा मंत्र नहीं देगा तो प्राण त्याग कर दूंगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को, बोले बच्चे को क्या मार डालोगे, ये बच्चा तो मरने जा रहा है, अब दीक्षा मंत्र नहीं दे करके ये बच्चा मर जाएगा, उन्हें तो भोजन छोड़ दिया। फिर बोले ठीक है उसको बुला देना। जब बुला ना, फिर प्रभुपाद गए, बोले देखो तू कल आना। बोले क्यों? बोले पहले मैं महाप्रभु का पूछूंगा, हैं ये पूछ करके दूंगा। फिर दूसरे दिन फिर गए, जब गए बोले महाप्रभु को पूछा, बोले पूछना मैंने भूल गया, महाप्रभु का पूछना भूल गया। फिर उनको डर, कितना बार प्रत्याख्यान के बाद में उन्होंने शिष्यत्व तो ग्रहण किया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैं इतने बड़े विद्वान मानता था, इतने दर्शन शास्त्र पांडित्य, लेकिन इसको भी कोई धिकार देने वाले, जिनकी वो अनपढ़ है, गौर के साथ अनपढ़ है, कोई लिखा पढ़ाई नहीं, लेकिन भक्ति जगत में बहुत पंडित हैं। भक्ति में कितना प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई, लेकिन जो प्रेम जो ढाई अक्षर है कहते इसमें वो पंडित थे हैं। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम रूपी विद्वान इनके अंदर में थी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
आमी इतो भालो धक्का दिते पारे तीन ना जानी कतो भालो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे जो गुरुदेव है, हैं मेरे जो गुरुदेव इतने बड़े विद्वान इतने बड़े पंडित मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने ढकेल दिया, बोले हम तुमको दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं देंगे। तब वो कह रहे हैं फिर हमारे गुरुदेव कितने अच्छे लोग नहीं हैं, मैं तो अपने आप को समझता था हम इतने बड़े विद्वान लिखे पढ़े दर्शन शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र में मैथमेटिक में इतना बड़ा पंडित, लेकिन जब गुरु जी को पास में गए गुरु जी ये सब फेंक दिया, बोले ये सब चीज जागतिक कोई विद्वान ये भक्ति जगत में कोई काम नहीं करती है, बल्कि कभी कभी अभिमान ला देती है ना। इसलिए मैया कुंती कहती हैं बोले कन्हैया जिसको पास में चार चीज होगा तेरा भजन नहीं करेगा। बोले क्या? बोले जन्म, उच्च कुल में जन्म हो जाए ना बड़ा अभिमान आ जाता है, ज्यादा पैसा हो जाए बड़ा अभिमान हो जाता है, थोड़ा रूप का थोड़ा सुंदरता हो जाए बड़ा अभिमान आ जाता है, हैं हैं जन्म ज्ञान अगर थोड़ी सी विद्वान आ जाए ए, हम कितना बढ़िया जानते हैं। कहते ये सब के सब भजन का प्रतिकूल है, ये भजन करने तुम्हें नहीं देगा। इसलिए कहती है भक्ति करने के लिए बोले नमो अकिंचन विताय, किसका ये संपत्ति है? बोले जो दीनहीन व्यक्ति उसकी संपत्ति भगवान है, उनकी संपत्ति ठाकुर जी है। इसलिए प्रभुपाद कहते मैं इतना बड़ा विद्वान जिसको गुरुदेव ने थुत्कार दिया हमारे गुरुदेव ने, तो तीनी जे धाका दिलेन ताते ताते बुझते पारलाम अमार नाय हीन व्यक्ति घृणित व्यक्ति आर नाई यही टाई हमारे स्वरूप। जब गुरुदेव ने हमें धक्का मारे उससे मैं समझ गया, पहले तो अपने आप को मानता था बड़ा विद्वान हूँ, फिर सोचे भैया हम कितने दीन हैं, पहले तो अभिमान गुरु जी के पास में आकर सारे अभिमान हमारी चकनाचूर हो गया, सारे चकना मिट्टी में मिल गया, फिर सोचा हम कितने घृणित है कितना नीच हमें, ये सचमुच से ये ही हमारे स्वरूप है, हैं। इसलिए महाप्रभु कहते ना त्रिनादपि सुनिचेना तररपि सही सुनुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरि की भजन करने के लिए दीनहीन होना पड़ेगा, हैं अभिमान रहने से। कहते अभिमान सुरापान, अभिमान शराब जैसे पीकर गए हम तो बादशाह है, हाँ कहते अभिमान सुरापान और प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा सुअर का विष्ठा है, हाँ प्रभुपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भैया ये सब छोड़ करके दीनहीन होकर के घास से भी ज्यादा दीनहीन पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति होकर भक्ति करना पड़ेगा, हैं तभी तो भगवान की भक्ति जगत में बढ़ सकते हैं, अभिमान से भजन नहीं होगा। हाँ इसलिए आमी जे पांडित्य नैतिक चरित्र प्रवृत्ति परम लोभनीय मने करे छी एटा महात्मा महात्मा जे सकल वस्तु कौन मूल्य दिछे ना। प्रभुपाद कहते मैं जो अपने आप को समझता था पंडित अभिमान ये, लेकिन जो संतो लोग है ना ये चीज को कोई महत्व नहीं देते, ये चीज को कोई महत्व नहीं देते। संत लोग एक चीज को महत्व देते हैं, तुम्हारे अंदर में कितने भक्ति है तुम्हारे अंदर में कितना प्रेम है, हाँ ये चीज को संत लोग महत्व देते हैं, हैं? अगर तुम्हारे अंदर में महाप्रभु क्या कहते हैं कृष्ण प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, महाप्रभु कहते हैं अगर हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं तो तुम सबसे बड़ा दरिद्र तुम हो, सबसे बड़ा दरिद्र तुम हो अगर तुम्हारे अंदर में अगर कृष्ण प्रेम नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृपा करी दे हमारे कृष्ण प्रेम धन, आप कृपा करें क्या करो कृष्ण प्रेम धन हमें थोड़ी बहुत दे दो, हाँ गुरु जी के पास में कहते हैं हमें थोड़ी सी कृष्ण प्रेम रूपी धन को हम दे दो। जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसको अंदर में कृष्ण भक्ति धन है, सबसे जगत में बड़ा हनुमान सबसे बड़ा धनी है, सबरी छोटी जाति की कहा थी सबसे बड़े धन उसके पास में, गुओ का चंडाल है विभीषण, क्योंकि ये सबके सब भगवान की भक्त थे भजन थे, ध्रुव प्रहलाद कहते सबसे बड़े भक्त है, मीराबाई सबके सब बड़े भक्त है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मूल्य दिखा तखन बुझला में यही महान व्यक्ति के की अमूल्य जिन्नी सही ना अच्छे। तो प्रभुपाद कहते हैं फिर मैं समझ गया, तब मेरे जो गुरु जी को पास में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर इनको पास में क्या क्या कीमती चीज इनको पास में नहीं है, हैं? इसलिए श्री
हमारे श्री सनातन गोस्वामी के पास में जब शंकर जी को उपासना की ब्राह्मण ने, मेरी बेटी को शादी देना, कुछ धन मिल जाए, बोले जाओ सनातन गोस्वामी के पास में जाओ वो देंगे। जब उनको पास में आए थे फक्कड़ बाबा, यहाँ तक तो कपड़े पहने हुए हैं, गले में छोटी सी और कुछ है ही नहीं, पत्ते का एक कुटिया है बस, एक माला झोली लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले ये फक्कड़ बाबा मेरे क्या देगा, शंकर जी भेज दिया बेटी की शादी के लिए, जब बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब उसको याद आया, हाँ मेरे को तो पारस मणि मिला था, बोले जाओ तो देखो तो कूड़ादान में पारस मणि मिला था। सुनकर आश्चर्य हो गए, कूड़ादान में पारस मणि कहाँ से आ गया। जब उन्होंने देखा पारस मणि सचमुच से ताबीज में टच कराया तो सोना बन गया, बोले बावारे, बोले सात राजा का धन मिल करके एक पारस मणि को साथ में बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे लाओ टच करा सब सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा। इसलिए फिर बोले भैया इससे भी कोई बड़ा संपत्ति इनके पास में, तभी तो इसको छोड़ कर रखा है ना। बोले कौन सा संपत्ति है, जब फिर उनके पास में आए बास में हरि राम दिया, बोले ये भगवान का जो नाम है ये सबसे कीमती, यही नाम चिंतामणि है, यही सबसे कीमती चीज भगवान की नाम धन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अमूल्य जिनिष उनके पास में क्या अमूल्य संपत्ति नहीं, सबसे अनमोल संपत्ति उनके पास में हरि का भक्ति और हरि का नाम है। तखन विचार कर लाम है इनी अत्यंत दयालु, ना है इनी अत्यंत अहंकारी, तखन आमी दीन भावे भगवान निकटे कृपा प्रार्थी होलाम, तत्परे भगवत कृपा जानते पारलाम जे ए रूप निष्किंचन महापुरुष कृपा सेवा छड़ा अमार मंगल अन्य कोनो रास्ता नहीं। प्रभुपाद कहते हैं फिर मैंने भगवान को निष्कपट होकर के प्रार्थना किया, ठाकुर जी हमारे कल्याण कैसे होगा, हमारी मंगल कैसे होगा। जब मैंने भगवान से निष्कपट होकर के प्रार्थना की है, आमी तो दीन भाव भगवान ने प्रार्थना, तत्पर भगवत कृपा जानते पार लाभ, तभी भगवान के कृपा से मैंने जान पाया क्या कि जो निष्किंचन जो महापुरुष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, कहते इनकी कृपा को छोड़ करके जीवन में और कोई चीज है ही नहीं है। अगर इनकी कृपा अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तखन अमार ए रूप सुबुद्धि होल, तखन श्री गुरुदेव आश्रय अजस्त्र कृपा पे आमी कृतार्थ होला, बोले तभी हमने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में शरणागत हुआ, उनसे दीक्षा मंत्र हरिनाम को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए गुरुदेव काछे जे धाका पिए छी ताते बुझे छी पृथ्वी रो लोको के जे रूप धाका ना दिले तादरे चैतन्य हबे ना चेतना तब आसबे ना। इसलिए साधारण लोग क्या समझते जानते हो, अगर उनके पास में रूप हो और रुपया पैसा धन हो, हम कितना बड़ा आदमी है हम कितना बड़ा आदमी, उनके अंदर में ये भावना होती है। लेकिन प्रभुपाद कहते जैसे मेरे गुरुदेव मेरे को धक्का दिया गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मेरे को तभी मेरे को पता चला हरि नाम का क्या महत्व है। इसलिए उसी तरह ये जगत जीवों को भी जब तक उनको धक्का नहीं दोगे, जो जिस चीज को पा करके अपने आप को अभिमान मानते हैं, बोले भैया जो चीज को उस चीज को धक्का नहीं दोगे ना, ये भी नहीं समझेंगे भैया भगवान का नाम भक्ति के कितने महत्व है, हैं कितने महत्व है। ताई सकल के बोल छी आमी सकल रे चे पृथ्वी ते जत लोक आछे सब चे मूर्ख, तोमर आमार मत मूर्ख होए जेव ना, मेपे नेवार कथार मध्ये तुमार थेके ना वैकुंठ कथार मध्ये मध्ये ढो खूब बल बड़ लोग होई जावे, वैकुंठ कथार मध्ये ढो खूब बड़ होई जावे, आमी भगवत कृपाए जाके मंगलमय बुझे छी तुम्हार दिखे सही मंगल कथा बोल छी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तुम लोग क्या समझो, तुम लोग वंचित मत हो जाओ, प्रभुपाद कहते हैं तुम लोग वंचित मत हो जाओ, एक बार कोशिश करो भगवान की प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए।
एक बार कोशिश करो प्रभु की भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए, एक बार कोशिश करो। मैंने जैसे कोशिश करके वो प्रेम धन को प्राप्त करके जीवन सार्थक हो गया, अगर तुम लोग भी एक बार वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करोगे तो भैया तुम्हारी जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवत भक्ति और भगवत प्रेम को पा करके तुम आदि के सही मंगल कथा बोल छी। तब प्रभुपाद कहते हैं मैंने गुरु जी से जो वस्तु को मैंने प्राप्त किया है वही वस्तु ही मैं चाहता हूँ तुम लोगों को भी हैं, तुम लोग भी दान करें। तब यहाँ पर प्रश्न किया था भगवान की सेवा वास्तव रूप में ठाकुर का सेवा हम कैसे कर सके। तब प्रभुपाद कहते हैं तभी वास्तव सेवा कर सकते हो, केवल ठाकुर सेवा नहीं, जब साधु गुरु वैष्णव की सेवा गुरु जी के अनुगत्य को द्वारा जब हम भगवत सेवा करेंगे तभी भगवत सेवा सही सही होगा। गुरु वैष्णव का अनुगत्य छोड़ करके अपनी आप सेवा करने से ठाकुर का सेवा नहीं होगी। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंद दे हरि हरि बोलो। हाँ देखो आज एकादशी है, आज क्या है, आज एकादशी है। कहते जो एकादशी कहते भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी को कौन है, बोले भक्ति जननी, बोले भक्ति की माँ है, हैं ये भक्ति की जन्म देने वाले हैं। इसलिए क्या करो, बोले जतने पालन करो, इसको जतन पूर्वक करो। बोले जतन पूर्वक मतलब क्या है, बोले जतन पूर्वक मतलब है एकादशी मतलब 11 से है, हैं हमारी 11 इंद्रियां हैं। आज क्या कोशिश करनी चाहिए जैसे श्री अम्बरीश सिंह महाराज ने संपूर्ण 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते थे, आज हम भी कोशिश करेंगे संपूर्ण 11 इंद्रियों को क्या करनी चाहिए, गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा में लगा देने के लिए। ठीक है ना। और आज के विशेष करके रोज रोज हम जितने हरिनाम करते थे, रोज जितने हरिनाम करते थे, आज कोशिश करनी चाहिए आज को थोड़ा हरिनाम की संख्या ज्यादा करने के लिए है। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, महाप्रभु क्या करते थे, एकादशी का दिन रात भर सोते नहीं, कहते श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ ला प्रभु जगत अर्पण। महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के रात भर सोते नहीं थे, रात भर कीर्तन करते थे। मतलब ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पूरी आकाश जब कीर्तन करते थे कि ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ तक गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाते थे। इसलिए एकादशी का दिन क्या करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति और हरिनाम को। इसलिए शास्त्र ने बताया जैसे सत्य युग में लोग तपस्या करते थे नहीं ना, और त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चन करते थे। बोले कलयुग के लिए क्या साधन है, बोले एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी है, एक एकादशी का दिन क्या करो भगवान की थोड़ी सी जितने साधन भजन करो तो उतना ज्यादा करो। और महाप्रभु इतने दयालु, अब प्रभुपाद इतना दयालु, आप देखोगे एकादशी का दिन थोड़ा खाना पीना कम होनी चाहिए, निर्जला व्रत रखनी चाहिए, लेकिन उसी दिन ही ज़्यादा बढ़िया प्रसाद होता है। उसी दिन ही पकौड़ा बना देंगे, फ्रूट क्रीम बनाएंगे, हाँ और हमारे और हमारे श्री क्या दीदी का नाम क्या, हाँ रजन दी से 4 बजे से उठ करके फल और जूस निकालना शुरू कर दी थी। हाँ वैष्णव सेवा कर दी, पहले से जूस निकाल कर रख ली। ठीक ठीक, आज का दिन कोशिश करना रोज रोज जितने हरिनाम करते कम से कम आज को थोड़ी सी ज्यादा हरिनाम, आज थोड़ा ज्यादा हरिनाम करने के लिए। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बांछा कल कृपा सिंधु भाई बचो पिता नम पावने भो वैष्णव भो नम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा।